आज का पहला प्रश्न है, दुष्यंत का मित्र विदूषक किस जाति का था? तो इसका उत्तर है ब्राह्मण जाति का। अगला प्रश्न लेते हैं, जा धातु क्त प्रत्यय का रूप बनेगा। जा धातु क्त प्रत्यय, तो ये बनेगा जीनह। अगला प्रश्न लेते हैं, वर्तमान पद में कौन सा प्रत्यय है? वर्तमान पद में तो यह है शानच प्रत्यय, शानच। अगला प्रश्न लेते हैं, लीह धातु तुमुन प्रत्यय रूप बनेगा लेढुम। क्या बनेगा? लेढुम, चाटना होता है। अगला प्रश्न है, क्री धातु क्षत्रि प्रत्यय का रूप बनेगा। क्री धातु क्षत्रि प्रत्यय स्त्रीलिंग में, तो यह बनेगा कुर्वती। तो आज का आपके लिए प्रश्न है, नहि सर्वः सर्वं जानाति, यह किसने कहा है? धन्यवाद। तो आज का पहला प्रश्न है, कारकः शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कारक शब्द में, तो यह है नवुल प्रत्यय। अगला प्रश्न है, शयाना शब्द में प्रत्यय है? शयाना शब्द में प्रत्यय है, तो यह है शानच प्रत्यय। अगला प्रश्न लेते हैं, स्वप धातु में क्त प्रत्यय लगकर क्या रूप बनेगा? तो यह बनेगा सुप्तः, सुप्तः। अगला प्रश्न है, जातः में मूल धातु है। जातः शब्द में मूल धातु है, तो यह है जन धातु, जन। अगला प्रश्न लेते हैं, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन सा है? निष्ठा संज्ञक, तो यह है कत्वतु। तो आज का आपके लिए प्रश्न है, क्री धातु क्षत्रि प्रत्यय स्त्रीलिंग में क्या रूप बनेगा? आज का पहला प्रश्न है, ग्लई जमा कत्वतु रूप बनता है। ग्लई जमा कत्वतु, तो यह बनेगा ग्लानवान। अगला प्रश्न लेते हैं, री जमाक्तः रूप बनता है। री जमाक्तः, तो बनेगा ऋण ऋतः। अगला प्रश्न है, छिद जमा ल्युट रूप बनता है। छिद जमा ल्युट, तो यह बनेगा छेदनम। अगला प्रश्न है, ची जमा घय रूप बनता है। ची जमा घय, तो यह बनेगा कायह। अगला प्रश्न है, उदितः पद में प्रकृति और प्रत्यय है, तो इसमें है वद जमा क्त। तो आज का आपके लिए प्रश्न है, कारकः शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धन्यवाद। तो आज का पहला प्रश्न है, भेतव्य शब्द में धातु तथा प्रत्यय है, तो यह है भिद जमा तव्यत। अगला प्रश्न लेते हैं, ध्री जमा न्यत क्या बनेगा? तो यह बनेगा धार्यम। अगला प्रश्न लेते हैं, प्र जमा वच जमा न्यत क्या बनेगा? प्रवाच्यम। अगला प्रश्न लेते हैं, भीष्म की मृत्यु किस पर्व में हुई थी? तो यह हुई थी स्वर्गारोहण पर्व में। अगला प्रश्न है, प्रत्यय पद में धातु है। प्रत्यय पद में धातु है, तो यह है इण धातु, इण गतौ। अगला प्रश्न आपके लिए है, उदितः में प्रकृति और प्रत्यय है, ये बताना है। धन्यवाद। तो आज का पहला प्रश्न है, शिमुक नाम से किस कवि को जाना जाता है? शिमुक, तो यह जाना जाता है शूद्रक को। अगला प्रश्न लेते हैं, श्रीकंठ चरितम किसकी रचना है? श्रीकंठ चरितम, तो यह है मंखक की। अगला प्रश्न लेते हैं, गीता में मूल प्रकृति के प्रकार है। गीता में मूल प्रकृति के प्रकार, तो यह है आठ। अगला प्रश्न लेते हैं, नचिकेता ने कठोपनिषद में द्वितीय वर के रूप में क्या प्राप्त किया? तो उन्होंने प्राप्त किया अग्नि विद्या। अगला प्रश्न लेते हैं, विष्णु किस सूत्र की संधि है? विष्णु, तो यह है शात। तो आज का आपके लिए प्रश्न है, उदितः में प्रकृति प्रत्यय है। उदितः में, धन्यवाद। तो आज का पहला प्रश्न है, विज्ञान शाकुंतलम में सबसे बड़ा अंक है, तो यह अंक है सातवां अंक। सात अंकों में सबसे बड़ा अंक सातवां अंक। अगला प्रश्न है, कोटि ही संख्या किस लिंग में होती है? कोटि ही, तो यह होती है स्त्रीलिंग में। अगला प्रश्न है, केशेषु चरमरिम हंती यहां केशेषु पद में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यह हुई है निमित्तात कर्म योगे। अगला प्रश्न है, रसिका या रसिकवती किसकी पत्नी का नाम है? तो यह है
भारवी की पत्नी का। तो अगला प्रश्न है, भारवेरर्थ गौरवम किसने कहा है? तो यह कहा है उद्भट ने। तो आज का आपके लिए प्रश्न है, विष्णु किस सूत्र की संधि है? धन्यवाद।